इंसान और इंटरनेट के बीच के रिश्ते की शुरुआत एक बहुत ही बड़े शोध की तरह थी। इस रिश्ते में एक बहुत ही बड़ा विद्यार्थी वर्ग, बहुत सारे शोध करने वाले लोग, बहुत से शिक्षाविद और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इंटरनेट का विकास करना चाहते थे। शुरुआती दौर में इंटरनेट उन लोगों का एक समूह हुआ करता था जो इंटरनेट का विकास करना चाहते थे। उस समय शुरुआत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी इंटरनेट को अपनाने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का समूह पहले कभी नहीं देखा था जो कॉलेज के बाहर रहकर भी इंटरनेट का विकास कर सके। यह सब 1957 में शुरू हुआ। 4 अक्टूबर को चांद को धरती का एकमात्र ऐसा उपग्रह बताया गया जो धरती की परिक्रमा करता है। एक और नया उपग्रह जिसने धरती की परिक्रमा करना शुरू किया, उसका नाम था स्पुतनिक। इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था और प्रक्षेपित किया था, और अमेरिका, जो हमेशा से ही सोवियत यूनियन के साथ एक होड़ करता रहा है, उसे इस बात से धक्का लगा क्योंकि सोवियत यूनियन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बहुत ही लंबी छलांग मारी थी। 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति ड्वाइट आइजेनहोवर ने एक साइंस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, और इसके बाद राष्ट्रपति ने एक विज्ञान सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इस विज्ञान सलाहकार के पास वह सारी शक्तियां थीं जिससे कि वह अमेरिका में विज्ञान से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकता था। 7 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि उनको इस कार्य के लिए एक सही इंसान मिल गया है, जिसका नाम था जेम्स आर किलियन जूनियर, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। चर्चा इस बात पर भी हुई कि वैज्ञानिक शोध और विकास के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी का होना काफी है। अलग अलग एजेंसियां अगर बनती हैं तो उनमें आपस में एक होड़ की स्थिति पैदा हो सकती है जिसे हम शायद अपने उद्देश्य से भटक जाएं और होड़ में अव्वल बने रहने तक ही सीमित रहें। और चूंकि इस शोध और विकास का फायदा अमरीकी सेना को भी मिलने वाला था, इसलिए एक ही एजेंसी का होना बहुत जरूरी था। लेकिन इस एक एजेंसी के प्रस्ताव को अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों ने खारिज कर दिया था, जो वैज्ञानिक एजेंसी के साथ तालमेल नहीं बिठाना चाहते थे। इस विवाद को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुलझाया और कांग्रेस को कहा कि वो एक एजेंसी है जिसका नाम आर्पा है, उसके लिए बजट बनाए जिससे कि इस एजेंसी को अपना काम करने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और यही एजेंसी 1969 में आगे चलकर आर्पनेट के नाम से मशहूर हुई। ये एजेंसी आज के इंटरनेट का एक बहुत ही मामूली और शुरुआती संस्करण था। इस एजेंसी की खास बात यह थी कि इसके अंदर ज्यादातर वो अमरीकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले अमरीकी उपग्रह को केवल 18 महीनों में बनाने की बात कही थी। आर्पा के पहले डायरेक्टर थे रॉय जॉनसन, और आर्पा के दूसरे कर्मचारियों और सदस्यों को पेंटागन के सहयोग से लिया गया था। 1960 में आरएएनडी में दूरसंचार के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। आरएएनडी एक अमेरिकी कंपनी है जो पेंटागन में दूरसंचार की हैसियत से कार्य करती है। इसमें पॉल बरन भी शामिल थे जिनको उनके डेटा संचार के कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। इन्होंने डेटा को पैकेट के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर काफी अच्छा काम किया है। पॉल बरन नेटवर्किंग के क्षेत्र के अलावा भी इंसान के दिमाग रूपी नेटवर्क से काफी प्रभावित थे। इन्होंने इंसानी दिमाग के ऊपर काफी शोध किया और उसी तरह का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जिसको नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स। जिस तरह से इंसानी दिमाग में एक कोशिका के खराब होने पर वह दूसरी कोशिका से बदल दी जाती है, वैसा ही कुछ पॉल के प्रोजेक्ट में था, जिसमें नेटवर्क का कोई भी हिस्सा खराब हो तो उसे सही करने के बजाय पहले बदल दो। दूसरा जो इनका क्रांतिकारी आइडिया था वह सूचना के आदान प्रदान को लेकर था, जिसको इन्होंने पैकेट नाम दिया, और इसी पैकेट के जरिए इन्होंने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा।
और जिसके लिए इन्होंने एक ही नेटवर्क का सहारा लिया। 1964 के एक आर्टिकल में पॉल ने कहा था कि एक दिन हम ऐसा नेटवर्क का सिस्टम बनाने में कामयाब होंगे जिसमें हम एक से ज्यादा उपभोक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ पाएंगे। लेकिन पॉल के प्रस्ताव में कुछ अड़चनें थीं, जैसे कि एक वैज्ञानिक समूह जिसे लगता था कि पॉल का यह प्रोजेक्ट संभव नहीं है और इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पेंटागन भी जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा अमरीकी वायु सेना भी इससे जुड़ी हुई है। AT&T ने भी अपने बहुत से सेमिनार में यह कहा है कि पॉल बरन का नेटवर्क का सिस्टम कभी काम नहीं करेगा। पूरे 5 साल तक पॉल ने अपने सिस्टम को लेकर बहुत से लेख लिखे जिससे कि वह यह बता सकें कि उनके प्रोजेक्ट में विरोध करने लायक कुछ भी नहीं है। 1965 में पेंटागन ने यह निर्णय लिया कि वह इस नेटवर्क प्रोजेक्ट को देखेगी और उस पर विचार करेगी। हालांकि पॉल ने अपने कदम इस प्रोजेक्ट से पीछे खींच लिए थे क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि इस प्रोजेक्ट को डिफेंस कम्युनिकेशंस एजेंसी को दिया जाने वाला है, जो कि एक सरकारी संस्था है जिसका डिजिटल तकनीक में कोई अनुभव नहीं है और यह अपने पुराने तरीकों से काम करती है। 1961 में एक डॉक्यूमेंट छपा था जिसका शीर्षक था, बड़े नेटवर्क में सूचना का आदान प्रदान कैसे किया जाए। इसे लियोनार्डो ने लिखा था जो UCLA में काम करते थे। इसके बाद नेटवर्क में भी सांख्यिकी और गणितीय अध्ययन पर भी जोर दिया जाने लगा और इसे ARPA ने नेटवर्क मेजरमेंट सेंटर में बदल दिया और यही से ARPANET की शुरुआत हुई। और यही से यह भी देखा जाने लगा कि किस तरह से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। 1962 में लिकलाइडर ने ARPA में अपना कार्य शुरू किया। इन्होंने इंसान और कंप्यूटर को लेकर काफी शोध किया था और काफी आर्टिकल भी लिखे थे। इनकी लिखी पुस्तकों से काफी कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रभावित थे। इन्होंने एक बार कहा था, मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द इंसानी दिमाग और कंप्यूटर की मशीन साथ में काम करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो डेटा आएगा उस तरीके का डेटा आज की तारीख में कल्पना कर पाना मुश्किल है। इन्होंने एक और रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था द कंप्यूटर एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, जो इन्होंने 1968 में बॉब टेलर के साथ मिलकर लिखा था। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ऑनलाइन कम्युनिटी या फिर कह लीजिए कि ऑनलाइन लोगों का समूह हो सकता है जो एक दूसरे के साथ जुड़कर कुछ काम करें। ये लोग कहीं से भी हो सकते हैं और इसके लिए किसी विशेष जगह पर इन लोगों का या कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है। 1 अक्टूबर 1962 में लिकलाइडर को ARPA ने अपने यहाँ नौकरी दी और इसके बाद इन्होंने एक तरीके का प्रतिभा खोज अभियान चालू किया जिसमें उन्होंने अमरीकी रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जो ARPA के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। इसका ARPANET के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ा, जिसको अमरीकी मिलिट्री नेटवर्क से बाहर बनाया जा रहा था और इसके ऊपर बहुत से छात्र भी काम कर रहे थे। इन छात्रों को ARPANET से 1969 से जोड़ा गया था। यह वह साल था जब दो जगहों को एक नेटवर्क से भी जोड़ा गया था। 1965 में पॉल बरन ने अपने प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जिसके ऊपर वह पिछले 5 साल से काम कर रहे थे। 1967 में डेविस ने अपने काम के ऊपर एक प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें इन्होंने वितरित नेटवर्क के बारे में बताया जो बरन की थ्योरी से काफी मिलता जुलता था। डेविस ने बताया कि किस तरह से एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम डिजिटल नेटवर्क में पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरन और डेविस दोनों ने एक ही जैसे निष्कर्ष निकाले थे। हालांकि दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे लेकिन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाना है और यह किस गति से होना चाहिए और इस कार्य को करने के लिए किस स्तर के आधारिक संरचना की जरूरत पड़ेगी, इन पर दोनों के विचार लगभग समान थे। डेविस ने जहाँ इस प्रक्रिया को पैकेट स्विचिंग का नाम दिया, वही बारन ने इसे डिस्ट्रीब्यूटेड एडेप्टिव मैसेज ब्लॉक स्विचिंग कहा।
इसी को लेकर टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था फर्स्ट नेशन इन साइबर स्पेस, जो 6 दिसंबर 1993 को प्रकाशित किया गया था। इसमें लिखा गया था 1960 में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में उमड़ रहे थे, जैसे अगर कभी अमेरिका ने परमाणु हमले का सामना किया तो क्या होगा। जितने भी संचार साधन उस समय पर, चाहे वो टेलीफोन हो या रेडियो हो या टीवी हो, वह सारे खतरे की जद में होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले उन्हें ही तबाह किया जाए। पेंटागन को एक ऐसे मिलिट्री सिस्टम की जरूरत थी जो तब भी काम करे अगर ज्यादातर फोन लाइन खराब हो जाए, लेकिन इसका जवाब शायद 1964 में मिल चुका था, जब 1964 में ही R&D कॉरपोरेशन के एक रिसर्चर पॉल बरन एक जवाब के साथ आए। उन्होंने एक कंप्यूटर संचार नेटवर्क बनाया जिसमें कोई स्टेशन नहीं था, यह किसी सरकार के अधीन नहीं था। इस नेटवर्क के लिंक किसी भी एक शहर से आरंभ और खत्म नहीं होते थे और इस पर विश्वास किया जा सकता था। इस लेख को दुनिया ने हाथों हाथ लिया, लेकिन रॉबर्ट टेलर ने इसे सिरे से नकार दिया और टाइम मैगजीन को उस समय एक चिट्ठी भी लिखी जिसे टाइम मैगजीन ने कभी प्रकाशित नहीं किया। यहां तक कि पैकेट स्विचिंग के ऊपर बने हुए नेटवर्क और आर्पनेट, ये दो ऐसे संभाग थे जिसके ऊपर आर्पा पूरे जोरों से काम कर रही थी। इसकी समीक्षा निकोलस नेग्रोपोंटा की किताब बीइंग डिजिटल में भी की गई है, जो सितंबर 1995 में साइंटिफिक अमेरिकन के लिए प्रकाशित हुई थी। इसमें लिखा था, 1960 में मैं आर्पा का निदेशक था और मैंने इस प्लान को मंजूरी दी थी जिससे कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार किया जा सके। सही मायनों में यह एक टीम की कोशिश थी जिस टीम में कॉलेज और यूनिवर्सिटी, छोटी और बड़ी कंपनियां और हमारी सरकार, खासकर की कांग्रेस, जो 1960 से 1970 तक हमारे साथ खड़ी रही। उस समय बहुत से लेखकों ने इंटरनेट को एक ऐसी तकनीक बताया था जो मिलिट्री के अलावा भी काम में ली जा सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह व्याख्या सही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता था कि आर्पनेट इसलिए चालू किया गया था कि अमरीका परमाणु युद्ध में अच्छे से संवाद कर सके, लेकिन यह एक गलत धारणा है, क्योंकि इसे इसलिए चालू किया गया था ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज और शोध करने वालों को आपस में जोड़ा जा सके। हमें उस समय अच्छे से पता था कि इस नई तकनीक का इस्तेमाल मिलिट्री में कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो भी काम हुआ वो काफी बाद में हुआ। इस पुस्तक में टेलर ने लैरी रॉबर्ट्स की भी सिफारिश की है, जो एक शोधकर्ता थे और लिंकन लेबोरेटरी से चयनित थे। इसी में एक प्रोजेक्ट था जिसे आर्पा ने लिंकन लैब्स के लिए फंड किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत दूर रखे कंप्यूटरों के बीच में एक संचार माध्यम स्थापित करना था। हालांकि लैरी रॉबर्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर थोड़ा संशय में रहते थे, क्योंकि वह अपने कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दूसरों को बांटना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार जितनी भी जानकारी उनके पास है वो उनकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत से ऐसे दूरदर्शी थे जिनको पता था कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फायदे होने वाले हैं। लैरी रॉबर्ट्स के साथ ही डोग एंजेलबार्ट ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च ग्रुप भी थे, जो कंप्यूटर और इंसानों के बीच एक आम बोलचाल कैसे स्थापित की जाए इस पर काम कर रहे थे, और इसके लीडर थे एंजेलबार्ट। एंजेलबार्ट और उनकी टीम ने ही नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण किया था। यह पहला नेटवर्क प्रबंधन सेंटर था जो आगे चल के इंटर NIC कहलाया। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट की लीडरशिप में और भी NIC बनाए गए जिससे कंप्यूटर से संबंधित डेटा, जानकारियां और रखरखाव संबंधी सर्विस का इस्तेमाल नेटवर्क के विकेंद्रीकरण के लिए किया जा सका और वे उन कंप्यूटर्स को पहचान सके जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए डोमेन नेम का सहारा लिया गया।
वेस्ली क्लार्क, जो कि एक शोधकर्ता थे और वे भी रॉबर्ट के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में एक हिस्सेदार थे और उन्होंने अपना योगदान आर्पानेट के विकास के लिए भी दिया था। इन्होंने ही कहा था कि दो कंप्यूटर को एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं जोड़ना चाहिए। 1967 में ही कंप्यूटर के जो मॉडल बन रहे थे उन सभी मॉडल में बहुत अंतर होता था और यहां तक कि अगर एक ही कंपनी वह सारे कंप्यूटर मॉडल बनाती भी थी तो भी उन कंप्यूटर को सेट करने के लिए बहुत से प्रोग्राम लिखने पड़ते थे और जिसमें काफी समय लगता था। क्लार्क ने आइडिया दिया कि मुख्य नेटवर्क से हटकर एक सब नेटवर्क होना चाहिए जो एक जैसे कंप्यूटर का होना चाहिए और इस तरह सब नेटवर्क के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे और अगर किसी बाहरी कंप्यूटर को सब नेटवर्क से जुड़ना होगा तो उस बाहरी कंप्यूटर को सिर्फ एक सब नेटवर्क भाषा को सीखने की जरूरत होगी बजाय के हर किसी कंप्यूटर की भाषा को सीखने की। ऐसी मशीनें जो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर और दूसरे संचार कंप्यूटर के बीच में स्थित थी उनको इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर कहा गया और कुछ सालों के बाद लिकलाइडर रॉबर्ट्स एंजलबार्ट की टीम, आर्पा की टीम और डेवियस और बारन के तकनीकी उपकरण और क्लार्क के आइडिया की वजह से नेटवर्क की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा लिया गया। 1968 में लैरी रॉबर्ट्स ने एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने आईएमपी के बारे में विस्तार से समझाया। इस डॉक्यूमेंट में वह सारी जानकारियां थी जिससे एक नेटवर्क तैयार किया जा सकता था और IBM वो पहली कंपनी थी जिसने रॉबर्ट्स को जवाब दिया और कहा कि इस तरीके का नेटवर्क बनाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि पहले से ही कंप्यूटर बनाने में बहुत खर्चा होता है और इसके बाद अगर उन कंप्यूटरों को इस तरह के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा तो खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसे नेटवर्क पर काम करना लगभग असंभव है। BBN, बोल्ट, बेरानेक एंड न्यूमन, इस कंपनी ने एक निर्णय लिया। हालांकि यह एक छोटी सी कंपनी थी जिसने पहला इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर बनाने का $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। BBN एक कंसल्टेंसी फर्म थी जिसे 1948 में बनाया गया था और वह थिएटर और सिनेमा की ध्वनि संबंधी कामों को देखा करती थी और उनके लिए ध्वनि से संबंधित सिस्टम तैयार करती थी। लिकलाइडर, जिन्होंने इस कंपनी के साथ शुरुआती कुछ सालों में काम किया था, उन्होंने BBN को एक कंप्यूटर मॉडल PDP-1 खरीदने के लिए मनाया जो उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा कंप्यूटर था और इसके बाद BBN भी एक कंप्यूटर तकनीक का कॉलेज बन गया। उसे MIT और हार्वर्ड के बाद तीसरी यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा था। BBN को जब अगस्त 1968 में IMP बनाने का काम मिला तो इसके कर्मचारियों ने अपनी दिन रात एक कर दी। यह अपने BBN के दफ्तर में ही शिफ्ट हो गए थे जैसे वह ही उनका दूसरा घर हो। इस बीच में वह सारी यूनिवर्सिटी जो BBN के IMP का इस्तेमाल करने वाली थी उन्होंने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी और इस तरह से उन सारे प्रोग्रामों पर काम चालू हो गया जिनका इस्तेमाल आर्पनेट और IMP को जोड़ने के लिए करना था। और इसी दौरान RFC यानी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स का सृजन किया गया जिससे इनोवेशन पर काम किया जा सके और दूसरे लोगों से तरह तरह के आइडिया लिए जा सके। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, यहाँ पर कोई भी अपनी बात कह सकता था और किसी भी कमेंट पर रिप्लाई कर सकता था। 30 अगस्त 1969 को वह दिन आ गया जब पहले IMP को BBN की लैब से बाहर निकाला गया ताकि उसे लॉस एंजलस तक भेजा जा सके और 1 सितंबर को इसका पहला परीक्षण किया गया। सिग्मा 7 और IMP को जोड़ा गया और दोनों एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान करने लगे। यह सब ऐसे हो रहा था जैसे दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हों। लिकलाइडर, बारन, डेवियस, रॉबर्ट्स और दूसरे सहायक लोगों का जो सपना था वह आखिरकार सच हो गया था। पहला IMP कनेक्शन लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी के साथ आरंभ किया। उसके बाद यहीं से दूसरे कनेक्शन को भी शुरू किया गया
और फिर तीसरा कनेक्शन सांता बारबरा की यूनिवर्सिटी के साथ, और आने वाले दिनों में स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी के साथ चौथा कनेक्शन शुरू किया गया। उस समय इंटरनेट को लोगों ने कुछ इस तरह से समझा था जैसे एक चिट्ठी एक कंप्यूटर से निकालकर दूसरे कंप्यूटर को दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे की गणना और समय बहुत थका देने वाला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया और हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों में 2 से 4 कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क हजारों कंप्यूटर में आ चुका था, और आज शायद ही ऐसा कोई कंप्यूटर हो जो इंटरनेट से ना जुड़ा हुआ हो, और आज इंटरनेट एक क्रांति है।